रिसेंटली तो मैंने एक वीडियो बनाई थी प्लान के ऊपर जो कि खरीदवार का प्रोजेक्ट है जो कि मेरे होम टाउन का प्रोजेक्ट है जो कि मैं कर रहा हूँ और उसकी प्लानिंग के ऊपर मैंने आपको पूरी डिटेल्स बताई थी कि प्लान किस तरीके से करता तो उस प्लानिंग के ऊपर जो एलिवेशन है ना वो किस तरीके से बना जो है उसके बारे में जो हम बात करेंगे और इसके फ्रंट के पार्ट को मैं एक बार जरा आपको समझाया था देखिए फ्रंट जो है पार्ट आप देख रहे हैं ये जो है यहाँ से आपकी एंट्रेंस है ये आपकी एंट्री हो गई और एंट्री से यहाँ पर जो है आपकी दो गाड़ियों की पार्किंग आ हा गई यहाँ पर और ये जो आप देख रहे हैं ये आपकी विंडो हो गई फ्रंट फली और फिर उसके बाद ये जो देख रहे हैं ये आपकी जो हो गई ये आपकी स्टेयर्स हो गई और स्टेयर्स में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पूरी ग्लेजिंग यहाँ पर जो है वो होएगी एंड ये जो है आपका ग्राउंड फ्लोर का जो फ्रंट का पार्ट हो मैंने आपको समझा दिया ये जो है ये फर्स्ट फ्लोर है और इसकी पूरी जो डिटेलिंग है ना प्लान की करो आप देखना चाहते हैं तो आप लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जा करके उस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं तो देखिए अभी हम फिर फिलहाल फ्रंट फ्रंट की बात करें तो देखिए ये वाला जो पोर्शन है ये जो है यहाँ से पूरा ओपन है और यहाँ पर जो तो है रैलिंग आएगी ये देख रहे हैं यहाँ पर रेलिंग आएगी ग्लास की एंड फिर अगेन ये अगेन आपकी सेम विंडो आ गई है और ये वही स्टेयर चढ़ रही है ऊपर और फ्रंट पे वही ग्लेजिंग कंटिन्यू होगी फिर हम आगे सेकंड फ्लोर पे तो सेकंड फ्लोर पे सेम कटिंग कंटिन्यू रहेगी और ये आपका जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप देख सकते हैं पूरा का पूरा जो है आपका ओपन टेरिस आ गया और ये स्टेयर्स जो है वो वही कंटिन्यू हो गई और सो इस प्लान की ना हमने स्ट्रक्चर इलेक्ट्रिक प्लम्बिंग पूरी डिटेल बनाई नाई अगर आप चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक प्लम्बिंग और स्ट्रक्चर के ऊपर भी जो वीडियोस हम बनाएं जो ड्राइंग बनी है तो वो आप मुझे जो है नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और सो इनकी जो भी पी है ना अगर उसको भी आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारी ऐप है तो ऐप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहाँ पर जाकर के भी जो है इनकी पी को चेक कर सकते तो चलिए बिना किसी देरी के हम चलते हैं इसके एलिवेशन डिज़ाइन के तरफ तो जैसे कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ना ये जो है इसका पर्टिकुलर जो डिजाइन करके दिया था और आप देख सकते हैं कि आपका ये जो पार्ट है ना पूरा ये पूरा ग्लेजिंग का पार्ट था था। और इतना ग्लेजिंग का पार्ट है इसके ऊपर जो है यहाँ पे लोवर्स जो है यूज कर रखे थे और ये इसके बाद फिर आप ये जो देख रहे हैं पूरा ये जो है सेम टाइम पे आप टाइल और एच दोनों आपको जो यूज कर सकते हैं फिर ये भी आप सेम एच और टाइल दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं तो इस तरीके से जो है ये क्रिएट हो गया और जैसे मैंने बताया था कि आपका जो ग्राउंड फ्लोर था तो ग्राउंड फ्लोर पे यहाँ पर जो इस तरीके से तो विंडो थी ये डोर हो गया एंड अब इसमें देखिए पता है क्या है आप अगर एक्चुअल में आपने अगर प्लान अगर नोटिस करा होगा तो इसमें जो स्टेयर्स जो चल रही थी ना पूरी स्टेयर्स जा रही थी तो अब एक्चुअल ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि पूरा का पूरा जो है वो एक ही पार्ट में दिखाते थे लेकिन आप देखेंगे कि एक लेवल में होने के बाद भी जो इसमें बाउंड्री वॉल को जो हमने अलग से शो करा होगा क्योंकि बाउंड्री वॉल का जो लुक है वो थोड़ा सा अलग से जो है वो रहता है फिर उसके बाद जो है यहाँ पर आप देखिए कि प्लांटिंग या फिर ग्रीनरी यहाँ पर जो हमने यूज़ कर रखी है एंड फिर फिर जब देख रहे हैं यहाँ पर प्लांटिंग यूज़ कर रखी है एंड फिर इसके बाद अगर आप फर्स्ट फ्लोर पर देखेंगे जैसे कि आपको बताया था कि बीच में से देखिए ये ये वाला जो पोर्शन पूरा फ्रंट तक आ आ रखा है। इसमें बीच में से कटिंग होकर आपकी जो ग्लास की रेलिंग आ गई और ये सेम वही विंडो आ गई और ऊपर जो ओपन ओपन आ गया और और के पर पर भी जो फ्रंट में प्रोवाइड कर रखी है टॉप आप जो देख रहे हैं ये ओपन है है। है, भी छोड़ सकते हैं और ग्लास भी आ सकता है तो इस तरीके से ओवरऑल तो जो है ये फ्रंट एलिवेशन जो है उस प्लान के लिए डिज़ाइन किया था अब उसके ना कुछ पॉइंट थे जिसके ऊपर हमें अगेन दोबारा से वर्कआउट करना रहा था तो वो पॉइंट्स भी जो मैं आपको बताऊंगा क्या क्या पॉइंट्स है एंड उसके बाद जो जो फाइनल जो डिज़ाइन निकल के है उसके बारे में भी हम बात करें तो देखिए सबसे पहले तो ये जो टेराकोटा की जो ब्रिक्स है इसका यूज़ जो है हमें कहीं ना कहीं करना था एंड देन फिर जो आप देख रहे हैं ना अभी इसमें जो ग्रे कलर का जो जो पेंट यहाँ पर हो रखा है जो टेक्स्चर हो रखा है इसका यूज़ जो हमें करना था एंड uh, इस तरीके की जैसा विंडो देख रहे हैं ना तो इस तरीके की जो ग्लेजिंग है वो हमें यूज़ करनी थी अल्मूनियम में तो ओवरऑल ये जो सारे पॉइंट्स है ये जो है टीम को मैंने लिख करके दिए थे तो आप देख सकते हैं सबसे पहला पॉइंट तो ये था कि जो आप देख रहे हैं ना शेप तो ये जो शेप है ना ये अनइवन सी शेप है यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा तो ये जो आप देख रहे हैं अनइवन शेप का पॉइंट बताया था एंड देन फिर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वट वी डू मोर इन दिस एरिया तो ये एक पॉइंट था एंड देन फिर टेरा कोटा की जो जाली यूज़ करनी थी तो वो यहाँ पर हमें जो यूज़ करनी थी एंड ग्रे कलर जो है हमें करना था एंड इस तरीके से देखेंगे यहाँ पर जो है पूरी जो येलो कलर से मार्किंग है यहाँ पे प्रोफाइल लाइट को हमें जो है एड ऑन करना था एंड फिर इसमें नेम प्लेट का जो है प्रोविज़न हमें रखना था इस तरीके से नेम प्लेट यहाँ पर आनी थी और आपने देखा होगा कि जो एक्चुअल जो इससे पहले वाला डिज़ाइन था ना तो उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो इतनी ही बाउंड्री वॉल थी सिर्फ इतनी बाउंड्री वॉल थी तो वो मुझे थोड़ी छोटी लग रही तो मैंने जो है वो ये ड्रा करके बताया था कि पूरी जो है वो बाउंड्री वॉल इसमें कंसिडर करी जाए और ये कंटिन्यू करके जो है पूरा आगे बढ़ाया जाए प्लांटर्स ताकि और जो है वो बड़ा इफेक्ट जो है वो दिखे और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे पहले वाली फोटो थी उसमें दो मटीरियल जो यहाँ पर यूज़ कर रखे थे दो तरीके के तो मैंने बोला कि यहाँ पर जो है एक ही जो है वो टेक्स्चर यूज़ होगा ये ग्रे वाला जो कि इनकी टेस्ट था और यहाँ पर जो है इस तरीके से तीन जो है वन वे वाली लाइट जो है यूज़ होंगी तो ये जो है वो ओवरऑल जो अल्ट्रेशन जो होने थे कुछ क्लाइंट के पॉइंट थे और कुछ जो जिसमें जो, जो, जो पॉइंट थे तो उसको ध्यान में रखते हुए जो फाइनल जो डिज़ाइन निकला उसके बारे में हम बात करते हैं ओके दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस तरीके से यहाँ पर तो आ जाएगी आपकी नेम प्लेट और इस तरीके से कंप्लीट जो है वो हमने इंक्रीज़ कर दिया बाउंड्री वॉल वाले लुक को और यहाँ पर जो है आपका ग्रे अगेन सिम सिंपल एक आगे लेवल नहीं क्रिएट करे और कॉस्टिंग भी कम हो गई तो आपका एक ही जो है वो आपका ग्रे टेक्स्चर यहाँ पर आ गया और फिर आप देख सकते हैं आपकी वन वे लाइट जो आप देख सकते हैं यहाँ पर यूज़ हो रखी है तो फ्रंट एलिवेशन की लाइट यहाँ पर जो यूज़ कर रखी है तो यहाँ पर ये यूज़ कर दिए और इस लाइट को अगर आप परचेज करना चाहते हो लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पर जा करके चेक कर सकते हैं एंड फिर सेम मटीरियल आप देख सकते हैं यहाँ पर भी वही ग्रे यहाँ पर भी वही ग्रे यूज़ कर दिया और इस तरीके से ये आपका जो है गेट यूज़ कर दिया एम में और फिर इसके बाद आप देख सकते हैं ये जो आप गेट का डिज़ाइन देख रहे हैं ना ये एम एस या फिर एल्यूमीनियम में भी आप यूज़ कर सकते हैं फिर इसमें देखिए यहाँ पर तो ये कॉलम आ गया और ये वही विंडो उस तरीके से विंडो क्योंकि देखिए अगर इसमें ज़्यादातर लोग क्या करते हैं ये जो ग्लेजिंग होती है ना तो बीच में वर्टिकल एलुमिनियम के पाइप्स भी डाल देते हैं तो वो बहुत कॉमन हो जाता है तो इसमें आप देख सकते हैं कि सिर्फ जो है आपका हॉर्डिजेंटल पाइप्स का ही जो है यहाँ पर यूज करा हुआ है और इस तरीके से अंदर स्टेयर्स आ गई एंड फिर ये आपकी टेराकोटा जाली का यूज जो है वो कर दिया जो कि कहा था तो ओवरऑल जो है इस तरीके से हमने यहाँ पर चेंज करा और जैसे कि ऊपर वाला जो है थोड़ा सा अनइवन लग रहा था तो उसको भी जो है इवन यहाँ पर कर दिया कटिंग को क्लोज कर दिया और ये एम के पाइप इस तरीके से जाकर के कंटिन्यू हो गए आप मुझे बताइए आपको पहले वाला एलिवेशन ज़्यादा अच्छा लगा या फिर दूसरे वाला नीचे कमेंट बॉक्स में और और मटेरियल्स के बारे में और डिटेल में जानना चाहते तो हमारी ऐप को भी चेक कर सकते हैं और बहुत सारी छोटी छोटी वीडियोज में इंस्टाग्राम पे भी डालता रहता था वहां पर जाकर के फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट की वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मात।